दोस्तों नमस्कार। टेक चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आईटेक का जो रिजल्ट दिया था जनवरी फरवरी में, जिन लोगों ने दिया था तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि वेरिफिकेशन करना जरूरी है, उसके सिवा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये डीजीटी ने पिछली बार बोला था, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो साइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन होने लगा, फिर ईमेल नहीं आता था, ओटीपी नहीं मिलता था, उसके बाद मोबाइल पे ओटीपी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। उसके बाद डिजिटे ने एक जरा और एक निर्णय ले लिया है, तो आइए वो देखते हैं कि उन्होंने अब क्या कहा और रिजल्ट कब आएगा वो भी हम देखते हैं। तो जैसे कि अब हम एनसीटी एमआईएस पोर्टल ओपन करते हैं, तो देखिए एनसीटी एमआईएस पोर्टल ये हो गया ओपन, और इन्होंने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर मार्क्स अपलोडिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग। इसके जो कि इसके पहले इन्होंने बोला था कि वेरिफिकेशन ये जरूरी है, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक जो बाकी जो स्टेट है, जो इनके प्रैक्टिकल और जो ड्राइंग के मार्क्स है वो अपलोड कर रहे थे, तो वो अपलोड नहीं हो रहे थे, उन्हें एरर आ रहा था, उसके कारण ना तो मार्क्स अपलोड हो रहे थे और रिजल्ट की प्रोसेस भी नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया था कि वेरिफिकेशन करना जरूरी है। लेकिन आज अगर आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर मार्क्स अपलोडिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग। यानी कि इन्होंने जो ये वेरिफिकेशन का टैब था वो निकाल दिया है, तो आपको अब वेरिफिकेशन करने की वैसी जरूरत नहीं है। और उन्होंने जैसे भी आप यहाँ पे जैसे प्रोफाइल ओपन करते हो तो उसमें वेरिफिकेशन का टैब भी इन्होंने निकाल दिया है, तो फिलहाल रिजल्ट तो पक्का आएगा यही लगता है। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया है न्यूज एंड अपडेट में, यहाँ पे अपलोड ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क्स, इसका एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया है, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लेटर। और इस लेटर में उन्होंने बोला है, देखिए 4 अप्रैल का ये लेटर है, और उन्होंने बोला है इसमें कि ये जो मार्क्स अपलोड है तो इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी जो स्टेट इज प्रैक्टिकल मार्क्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क्स अपलोड करते हैं तो उसकी तारीख बढ़ा दी है उन्होंने 15 अप्रैल तक। ओके, मतलब 15 अप्रैल तक ये जो स्टेट के जो है तो वो मार्क्स अपलोड इसमें कर देंगे, और उसके बाद बोला है कि रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा, जैसी ये प्रोसेस खत्म होती है तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। यानी कि जो आपका प्रोसेस ये जो वेरिफिकेशन था वो फिलहाल तो निकाल दिया है और रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा, यही एक आशा करता हूँ। और इसके लिए ही मैंने एक वीडियो ये आपके लिए बनाया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका रिजल्ट पक्का और पक्का जल्दी ही आएगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।